ग्रीडी अंडरग्राउंड मटन शॉप। विराजपुर नाम के गांव में चिंटू और बंटी नाम के दो चोर थे। एक दिन जेल में जेलर उन दोनों से, सुनो चिंटू बंटी, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा तुम दोनों चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम दोनों मेरे हिट लिस्ट में शामिल हो जाओगे। अरे रहने दीजिए साहब, पहले ही जेल में ये चर्चा है कि आप थोड़े सिरफिरे हैं। अब आप ही बताइए कि सिरफिरे से जानबूझकर कौन पंगा लेगा। कहकर जेल से छूटकर बाहर आ गए। बाद में एक दिन ढाबे के पास बंटी चिंटू से, अरे ये क्या चिंटू, तूने जेलर साहब से ऐसी बात क्यों कही? अरे चोरी के अलावा तो हम कुछ और जानते नहीं है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा यार? अरे यार गुजारे की बात बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचो कि बिरयानी कैसे खाएं, खाके बहुत दिन हो गए हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास एक बकरी दिखाई दी। यार वो देख बकरी, और हमें लगी है भूख, चलो आज बकरी काटते हैं। यूं सबकी नजर बचाकर वो उस बकरी को चुरा कर अपने घर ले गए। फिर उस बकरी को काटा और उसका बिरयानी बनाकर मजे से खाए। अगले दिन चाय की दुकान पर जब बंटी और चिंटू पहुंचे तो दुकानदार उन दोनों से, सुनो क्या तुम दोनों ने रास्ते में कोई बकरी देखा? सुना है वो हमारे पटवारी का है, अब कुछ ही दिन पहले उन्होंने 20,000 रुपए में उसे खरीदा था। आज वो बकरी काटना चाहते थे पर कल वो गायब हो गई। उस बेचारे के दुख मुझसे देखा नहीं जाता। क्या बात कर रहे हो भैया, एक बकरी के लिए 20,000? अरे मुझे विश्वास नहीं होता। अरे तुम दोनों कौन से दुनिया में हो, आजकल 1 किलो मटन 800 रुपए में बिकता है। ये सुनकर बंटी चिंटू को अलग ले गया। यार हम भी मटन का धंधा करते हैं ना, खूब पैसे कमा सकते हैं। अरे मूर्ख, मटन की दुकान में हमें मुनाफा कहाँ से मिलेगा? अरे यार बकरी खरीद कर बेचा तो कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर बकरी चुरा कर बेचा तो पैसे ही पैसे। एक बकरी बेचा तो 20,000 रुपए मिलेंगे, और अगर दो बेचे तो हर दिन हम 50,000 रुपए कमा सकते हैं। इस तरह उन दोनों ने मटन की दुकान खोलने की तैयारी की। पास ही उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें गांव भर से चुराए हुए बकरियों को जाकर छुपाने लगे। अगले दिन चिंटू और बंटी ने मटन की दुकान के उद्घाटन के लिए जेलर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मटन की दुकान पर आकर जेलर बंटी और चिंटू की प्रशंसा करते हुए, मैं नहीं जानता था कि चिंटू और बंटी इतनी जल्दी सुधर जाएंगे। भाई इतना ही नहीं, दूसरे दुकानों के मुकाबले में कम दाम पर मटन बेच रहे हो, इससे ये पता चलता है कि तुम अपने गाँव वालों को कितना प्यार करते हो। भाई कुछ भी कहो, तुम इस तरह इन गाँव वालों के जो पैसे चुराए थे उसका तुम ब्याज भर रहे हो, इसीलिए आप सब गाँव वालों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब चिंटू और बंटी का प्रोत्साहन करें, आप इन दोनों को अपने साथ मिला लें। कहकर वहाँ से चला गया। कम दाम होने के कारण अगले दिन से लोग चिंटू और बंटी के पास आकर मटन खरीदने लगे। जब ऊपर मटन खत्म हो जाता तब चिंटू अंडरग्राउंड में जाकर बकरी काटकर मटन ऊपर लाकर देता था, बंटी उस मटन को बेचता था। यूं कई दिन बीत गए। यूं चुराए हुए बकरियों से उन्होंने खूब पैसे कमाए। एक दिन जेलर के साथ मिलकर भंडारी नाम का व्यक्ति चिंटू बंटी के मटन शॉप के पास पहुंचा। उन्हें देखकर चिंटू, नमस्ते सर, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, आपके लिए मटन तैयार करूं? अरे नहीं नहीं भाई ठहरो, ये भंडारी हैं, पड़ोसी गांव में रहते हैं, कह रहे थे कि इनकी बकरी की चोरी हो गई, ये मेरे खास आदमी हैं, ये बकरी ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए, मैंने भी सोचा चलो इनके साथ चलते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। अरे साहब पड़ोसी गांव के बकरी यहाँ क्यों पहुँचेगी? मान लो गलती से आ भी गई तो आप तो हमें जानते ही हैं, हम उस बकरी को लेकर उनके घर के पास छोड़ आते, हम अब वाकई सुधर गए हैं सर। यूं कही रहा था कि तभी भंडारी ने एक धागे को पकड़ा और उसको खींचते खींचते मटन के दुकान के अंदर गया और वहाँ पर जमीन पर पड़े एक दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। वहां उसे बहुत सारे बकरियां नजर आईं। उसके साथ जेलर भी नीचे गया और इतने सारे बकरियों को देखकर हैरान रह गया। तभी चिंटू जेलर के पास पहुंचा। सर ये सब चोरी की बकरियां हैं, ये कमीने बकरियां खरीदते नहीं है, आसपास के गांव से चुरा कर लाते हैं और यहां रखकर बेचते हैं, इसीलिए ये कम दाम में बेचते हैं सर। क्यों रे कमीनो, एक तो चोरी का माल बेचते हो
और उसका उद्घाटन मुझसे करवाते हो? तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? यूं कहकर जेलर ने उन दोनों को खूब मारा, फिर उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल लेकर चला गया।